हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों. वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस. बच्चों, मैं आपके हिंदी की टीचर उपस्थित हूँ आपके सामने आपको हिंदी पढ़ाने के लिए. बच्चों, इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको ये चैप्टर समझा दिया था. आई होप सभी बच्चों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में भी आ गया है. अगर फिर भी बच्चों किसी बच्चे को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो इस चैप्टर को बार बार रीड करे. रीडिंग से ही आपको ये चैप्टर समझ में आ जाएगा बच्चों. ओके, या अगर आप चाहें तो बार बार वीडियो भी देख सकते हैं. ओके बच्चों, देखिए आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करने वाले हैं. देखिए बच्चों, एक्सरसाइज क में हमारे क्वेश्चन आंसर हैं और एक्सरसाइज ख जो है वो है बच्चों, पाठ के अनुसार दिए गए प्रश्नों में से सही उत्तर चुनिए. यानी आपके सामने आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, उसके तीन अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं. आपको क्या करना है बच्चों, आपको सही जो उत्तर है उसको चुनना है और उसमें उसके सामने जो बॉक्स दिया गया है उसमें टिक का साइन करना है. देखिए बच्चों, हमारा क्वेश्चन है, राकेश शर्मा सबसे पहले किस संस्था में नौकरी करते थे. कौन सी संस्था में नौकरी करते थे बच्चों, वो थल सेना में, ऑफिस में या वायु सेना में. सबसे पहले कहां, कौन सी संस्था में नौकरी करते थे, वायु सेना में. नेक्स्ट है बच्चों, प्रशिक्षण के लिए उन्हें कौन सी भाषा सीखनी पड़ी थी. यानी जब वो प्रशिक्षण ले रहे थे, जब वो ट्रेनिंग ले रहे थे, तो ट्रेनिंग के लिए उन्हें कौन सी भाषा सीखी, कौन सी भाषा को सीखना जरूरी था उनके लिए. जर्मन भाषा को, रूसी भाषा को या फ्रेंच भाषा को. रूसी भाषा को. ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है. हमने चैप्टर में रीड भी किया है तो हमें टिक भी इसी पे करना है. नेक्स्ट है बच्चों, राकेश शर्मा को राष्ट्रपति ने कौन सा पुरस्कार दिया. ठीक है, कौन सा पुरस्कार दिया था, हमने चैप्टर में रीड किया था. परमवीर चक्र, अशोक चक्र या वीर चक्र. कौन सा दिया था बच्चों, अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था. ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, राकेश शर्मा के साथ अंतरिक्ष यान में कितने रूसी यात्री थे. यानी राकेश शर्मा के साथ अंतरिक्ष यान में और कितने रूसी यात्री थे बच्चों, दो थे ना, जिनके नाम भी आपको बताए गए हैं चैप्टर में. ठीक है, और वो राकेश शर्मा के साथ अंतरिक्ष यान में गए थे. देखिए, हमारे ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है. अब है बच्चों हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो है भाषा की बात. अब हम लैंग्वेज के बारे में सीखने वाले हैं. देखिए, एक अनेक समझो और लिखो. यानी जो आपको ये सब दिए गए हैं, ये एक और ये इसका अनेक रूप है. यानी एक वचन और ये इसका बहुवचन रूप है. आपको इसे देखना है, समझना है और बाकियों को भी इसी की तरह करना है. देखिए बच्चों, व्यक्ति, व्यक्ति का बहुवचन रूप क्या होगा, व्यक्तियों. चालक, चालकों. केंद्र, केंद्रों. यात्री, यात्रियों. और बच्चों, मैंने आपको बताया था जो हमारी मात्रा बड़ी ई की होती है एक वचन में, उसको हम जब बहुवचन बनाते हैं तो वो मात्रा हमारी छोटी में बदल जाती है. देखिए, यात्री में हमारी बड़ी की मात्रा है, यात्रियों में हमारी छोटी ई की मात्रा है. ठीक है, यात्री, यात्रियों. उपकरण, उपकरणों. वैज्ञानिक, वैज्ञानिकों. नेक्स्ट है बच्चों, अ लगाकर नए शब्द बनाओ. अ जमा भिन्न. अब हमें क्या करना है बच्चों, इसमें हमें नया शब्द बनाना है. और नया शब्द कैसे बनाएंगे, हमें जो बीच में प्लस का साइन दिया गया है यानी जमा का जो निशान दिया गया है उसे हटा देना है और दोनों को जोड़कर एक शब्द बना देना है, दोनों को जोड़कर लिख देना है. देखिए, अब यहां है अ जमा भिन्न. हमें क्या करना है, इस प्लस के साइन को हटा देना है और अ भिन्न दोनों को एक साथ लिख देना है. तो हमारा जो नया शब्द बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों, अभिन्न. अ जमा खिल. अब प्लस के साइन को हटा देना है और दोनों को एक साथ लिख देना है, हमारा शब्द क्या बनेगा, अखिल. अ जमा मर. प्लस के साइन को हटा देना है और हमारा जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों, अमर. अ जमा सफल. और हमारा जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों, असफल. नेक्स्ट है बच्चों,
अ जमा संभव, प्लस के साइन को हटा देना है और दोनों को एक साथ लिख देना है और हमारा नया शब्द बनकर तैयार हो गया। वो क्या बना है बच्चों? असंभव। अ जमा सुर और प्लस के साइन को हटा देना है और जो नया शब्द बनकर हमारा तैयार हुआ है वो है बच्चों असुर। नेक्स्ट है बच्चों ग, नीचे लिखे वाक्यों के लिए एक शब्द लिखो, यानी ये जो वाक्य लिखे गए हैं इनके लिए आपको एक शब्द लिखने हैं। ये हम पहले हमारे ग्रामर पोर्शन में कर चुके हैं। इनको क्या कहते हैं बच्चों? इनको कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी वायु में चलने वाला, यानी जो वायु मतलब हवा में चलता है उसको क्या कहते हैं बच्चों? विमान। दूर के दृश्य को दिखाने वाला, यानी ऐसा यंत्र जो दूर के दृश्य को दिखाता है उसको क्या कहते हैं? दूरदर्शी। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला, अब यात्रा करने वाले को क्या कहते हैं बच्चों? यात्री। और अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला इट मीन्स अंतरिक्ष यात्री। जो ईश्वर में विश्वास करे, यानी जो भगवान को मानता है उसको क्या कहते हैं बच्चों? आस्तिक। और जो भगवान में विश्वास नहीं रखता उसको क्या कहते हैं? नास्तिक। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए बच्चों। नीचे लिखी पंक्तियों में सरनाम शब्दों को रेखांकित करो, यानी जो भी सरनाम शब्द हमारे इन लाइनों में आए हैं, इन पंक्तियों में आए हैं, उन्हें हमें रेखा खींचकर अंकित करना है। देखिए, सबसे पहले उन्होंने रूसी भाषा सीखी, ये किसके बारे में बात हो रही है? किसके बारे में? राकेश शर्मा के बारे में। इस फर्स्ट लाइन में, यानी पहले वाक्य में, पहले सेंटेंस में हमारा सरनाम शब्द क्या है बच्चों? उन्होंने, जो मैम ने अंडरलाइन भी किया हुआ है। उनका प्रशिक्षण सुबह 4:30 बजे आरंभ हो जाता था। अब उनका जो है ये हमारा सरनाम शब्द है और इसके नीचे मैम ने अंडरलाइन भी की है, आपको भी ऐसे अंडरलाइन करना है। ठीक है, केंद्र में उन्हें अंतरिक्ष और अंतरिक्षयान के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई। अब उन्हें क्या है बच्चों? ये भी हमारा सरनाम शब्द है और इसे भी हमें अंकित करना है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, वाक्यों में सही कारक चिन्ह लगाना है और कारक चिन्ह कौन कौन से लगाने हैं? से, में, के लिए, ने, ये कारक चिन्ह लगाने हैं। कारक चिन्ह लिखकर खाली स्थान भरो, यानी हमें जो फिलिंदा ब्लैंक्स दिए गए हैं इन फिलिंदा ब्लैंक्स में हमें ये कारक चिन्ह भरने हैं। अब ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे हमें कारक चिन्ह दिए गए हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 और हमारे फिलिंदा ब्लैंक्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 है बच्चों, एक हमें इसी में से रिपीट करना है। ठीक है, रिपीट का मतलब होता है दोबारा भरना है। अब देखिए बच्चों, केंद्र उन्हें अंतरिक्ष और अंतरिक्षयान, यहाँ क्या आएगा बच्चों? केंद्र में उन्हें अंतरिक्ष और अंतरिक्षयान के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई और हर प्रकार की, यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों? की दुर्घटना का सामना करने के लिए भी तैयार किया गया। राकेश शर्मा ने उत्साह और समझदारी से प्रशिक्षण प्राप्त किया। ओके बच्चों, यहां देखिए मैं एक बार आया हुआ है, लेकिन हमें जो ये सेंटेंस दिए हुए हैं इनमें हमें जो ब्लैंक्स दिए गए हैं वो 7 है और जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं वो ऑप्शन है बच्चों 6। हमने मैं को 2 बार रिपीट किया है, मैं हमारा यहां भी भरा जाएगा और यहां भी आएगा। ओके, देखिए दोबारा देख लीजिए इसे। केंद्र में उन्हें अंतरिक्ष और अंतरिक्षयान के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई और हर प्रकार की दुर्घटना का सामना करने के लिए भी तैयार किया गया। राकेश शर्मा ने उत्साह और समझदारी से प्रशिक्षण प्राप्त किया, यानी ट्रेनिंग प्राप्त की, ट्रेनिंग ली। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारे चैप्टर की एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। आपको बच्चों ये एक्सरसाइज अपनी बुक में नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में फिल भी करनी है, यानी अपनी बुक में इसे भरना है और इस एक्सरसाइज को याद भी करना है, यानी लर्न करना है। ओके बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।